बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामियात जमात अव्वल के लेक्चर में खुश आमदी। प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 5.1 जो कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के तारुफ के उनवान से है, इसके पहले लेक्चर का आगाज करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं हासिलात ताल्लुम। हमारा पहला हासिल ताल्लुम है कुरान और सुन्नत की रोशनी में जान सकें कि अल्लाह ताला ने अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को इंसानों की रहनुमाई के लिए मबऊस फरमाया है। और दूसरा हासिल ताल्लुम है अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की तादाद के बारे में जान सकें। प्यारे बच्चों, ऐलान सबक है कि आज हम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की बेअसत का मकसद और उनकी तादाद के बारे में जानेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहले आप बच्चों के लिए दोहराई के चंद सवालात हैं। मैं गुजारिश करूंगा साथ किराम से कि वीडियो को यहीं पे रोक दीजिए, पहले बच्चों से दोहराई के इन सवालों के जवाब मालूम कीजिए। खुश आमदीद। यकीनन आप बच्चों ने दोहराई के इन सवालों के जवाब बड़े उमदा अंदाज में अपने अपने साथ किराम को दिए होंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कबल अज़ पढ़ाई के उनवान से सवालात आपके सामने हैं। मैं गुजारिश करूंगा साथ-ए-किराम से कि वीडियो को रोक दीजिए, पहले बच्चों से कबल अस पढ़ाई के इन सवालों के जवाब मालूम कीजिए। खुश आमदी। प्यारे बच्चों, यकीनन आपने कबल अस पढ़ाई के सवालों के जवाब इंतहाई दिलचस्पी का मुजाहरा करते हुए अपने साथ-ए-किराम को दिए होंगे। इस्लामी नुक्ता नजर हमारे आज के सबक का है कि अंबिया-ए-किराम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुजीदा बंदे होते हैं, यानी चुने हुए मुंतखब अफराद होते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की बेइज्जत का मकसद और उनकी तादाद जानने के लिए चंद तारुफी कलिमात सीख लेते हैं। अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की बेइज्जत का मकसद इंसानों की रहनुमाई करना है, यानी अंबियाए किराम भेजे ही इसलिए जाते हैं कि इंसानों की रहनुमाई करें। खास लोगों को नबी या रसूल कहते हैं, जो अल्लाह की बारगाह में खास होते हैं बल्कि खासों से भी खास होते हैं, उन्हें नबी या रसूल कहते हैं। नबी का माना खबर देने वाला है, जबकि रसूल का माना पैगाम पहुंचाने वाला है। रसूल का दर्जा नबी से ज्यादा होता है। वैसे तो नबी भी अल्लाह की तरफ से पैगाम पहुंचाता है, वो भी लोगों को मुख्तलिफ खबरें देता है, लेकिन नबी और रसूल में अगर रुतबे की दर्जे की बात करें तो रसूल का रुतबा नबी से बुलंद होता है। हर रसूल नबी होता है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता। आइए अब हम किताब की जानिब बढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने अपने चुने हुए इंसानों को तमाम लोगों की रहनुमाई के लिए दुनिया में भेजा। उन खास लोगों को नबी या रसूल कहा जाता है। इन अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की तादाद तकरीबन 1,24,000 है। हम इन तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम पर ईमान रखते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की बेइज्जत का मकसद और उनकी तादाद के बारे में चंद बातें सीखी। इन्हीं बातों की रोशनी में आप इस मशक को मुकम्मल करेंगे। जैसे नबी का माना खबर देने वाला, अंबियाए किराम की तादाद कितनी है आपने जान लिया, तकरीबन 1,24,000, तो इसी तरह से आप इस मशक को मुकम्मल करेंगे। अब आप बच्चों के लिए एक सरगर्मी है। सरगर्मी यह है कि कागज के एक टुकड़े पर अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के नाम लिखें और असातिज़ा किराम को दिखाएं। ज्यादा नाम लिखने वाले तलबा की हौसला अफजाई करें। जिस नबी का नाम याद है वो अपने कागज के एक टुकड़े पर उस नबी का नाम लिखेगा, साथ किराम को दिखाएगा। मुकाबला होगा कि जिस बच्चे को ज्यादा अंबिया के नाम याद होंगे, साथ किराम उन बच्चों की हौसला अफजाई करेंगे। अभी मैं गुजारिश करूंगा साथ किराम से कि वीडियो को यहीं पर रोक दीजिए, पहले कमरा जमात में इस सरगर्मी को मुकम्मल करवा लीजिए। खुश आमदीद। यकीन ना बच्चों ने इस सरगर्मी को इंतहाई जोक शोक के साथ मुकम्मल किया होगा और इस सरगर्मी की बदौलत आपने अल्लाह के नबियों के नामों को जान लिया होगा। प्यारे बच्चों, अब आपके लिए घर का काम है। घर का काम यह है कि वालदैन की मदद से अपने खानदान या दोस्तों में तलाश करें कि किसका नाम किस नबी अलैहिस्सलाम के नाम पर है। कम अज कम 5 नाम तलाश करें और तहरीर करें। अपने खानदान में से, अपने दोस्तों में से आपने वालदैन की मदद के साथ 5 नाम तलाश करने हैं जो अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम के नामों की निस्बत से रखे गए हैं, और फिर आपने उन नामों को तलाश करना है और तहरीर भी करना है। ये काम घर से वालदैन की मदद से मुकम्मल करना है। आइए अब हम सबक का इआदा कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा नबी का माना है खबर देने वाला, रसूल का माना है पैगाम पहुंचाने वाला, अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम की बेइज्जत का मकसद लोगों की रहनुमाई करना है,
अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की तादाद तकरीबन 1,24,000 है। ये चंद मालूमात थी जो आज के सबक से हमने हासिल की और आज के सबक से हमने सीखी। आज हमने अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की बेसत का मकसद और उनकी तादाद के बारे में जाना। कल हम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की सिफात के बारे में मुख्तसर तौर पर जान सकेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं लेक्चर की पीपीटी, हासिलात तालुम के मुताबिक लेसन प्लान और वर्कशीट। इन तीनों चीज़ों को डाउनलोड करके इनकी रहनमाई में और हमारे इस वीडियो लेक्चर की रहनमाई में आप अपने सबक को नहायत उमदा अंदाज में खुश उसलूबी से तैयार कर सकेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात होती है अगले लेक्चर में। अल्लाह करीम हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।